प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। पीसीसी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में जयपुर शहर जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास, अर्चना शर्मा, बगरू विधायक गंगा देवी, कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल और जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि जनता भाजपा की कार्य नीति को समझ चुकी है। मोदी ने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया और जनता को धोखा दिया। इस बार जनता पूरी तरह से समझ गई है और कांग्रेस को समर्थन दिया है। हम बड़ी विक्ट्री करेंगे, 8 में से 5 सीटें जीते। मोदी जी के खिलाफ अंडरकरंट है, जो मोदी चिल्लाने वाले लोग हैं 20% उनके मुकाबले में 30% उनके खिलाफ भी है। जो जानते हैं कि देश में आतंकवाद मोदी जी ने बढ़ाया, देश का माहौल इन्होंने बिगाड़ा, नक्सलाइट इन्होंने पैदा किए, इन्होंने पूरे देश में करप्शन फैला दिया, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। मेरा ये मानना है कि नोटबंदी के बाद और पूरे देश में जो हालात बिगड़े उसके खिलाफ इतना मैं कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि बूथों पर बीजेपी और कांग्रेस के बूथ पे वोटर नहीं आ रहा था, पर्चियाँ तो डायरेक्ट जा रहा था, लेकिन ये डायरेक्ट वोट की जो बीजेपी उम्मीद कर रही है उससे ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस को है। और मैं इतना कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जयपुर भी जीतेगी, राजस्थान में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। निश्चित रूप से पिछले 38-40 दिनों में जिस तरह से कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता ने धूप हो गर्मी हो डट करके काम किया, मुकाबला किया और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मजबूत भूमिका निभाई, खूब उत्साह उनमें देखने को मिला। खासतौर से जब हम रोड शो को जब देखते हैं जो कि 4 तारीख को हुआ, उसमें कार्यकर्ताओं का इतना ज़बरदस्त उत्साह था। साथ ही साथ जब संपर्क के लिए निकले तो जयपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा था, साथ मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। इसी बात को लेकर के आज मीटिंग रखी गई कि हम इन सब का धन्यवाद देते हैं। कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मजबूत कड़ी है जो जनता को और हमको आपस में जोड़ती है और उसने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर